कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल 2020 में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। इसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेस वे को सिर्फ 28 महीनों में पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसके बनने से यूपी के 7 चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। तो इटावा चित्रकूट तक बना एक्सप्रेसवे और इस बीच जो जिले हैं, 7 जिले जो हैं, उनका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को जरा बता रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन, यानी कि पूरी तरीके से बन करके तैयार है। यूपी के 7 जिलों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। वहीं एक्सप्रेसवे में 13 इंटरचेंज पॉइंट बनाए गए हैं, 28 महीनों में बनकर ये तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। कम समय था, चुनौतियां ज्यादा थी। 296 किलोमीटर ये लंबा है एक्सप्रेसवे, जो 7 जिलों से होकर के गुजरेगा और 4 लेन का बनाया गया है एक्सप्रेसवे। तो ये खास खास जो बातें हैं। वहीं चित्रकूट से इटावा तक बना है ये एक्सप्रेसवे। अब लोगों को भी इंतजार है बेसब्री से, जब देश के प्रधानमंत्री करेंगे इसका उद्घाटन। तो एक्सप्रेसवे में बता दें कि 14,850 करोड़ की लागत से बना है ये एक्सप्रेसवे। तो 296 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। सरकार के 100 दिन पूरे होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, जो बुंदेलखंड कभी दूसरी सरकारों में बड़े बड़े पैकेज केंद्र सरकार से मांगे जरूर जाते थे, पर उसको ककरीला पतरीला समझकर छोड़ दिया जाता था। उसको भी हमने, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तराशने का काम किया। इस समय हम मौजूद हैं औरैया जनपद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जहां कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाना है। और औरैया जनपद में इस एक्सप्रेसवे से निकलने से लोगों को बहुत सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर पहले लोग दिल्ली जाने के लिए नेशनल हाईवे का प्रयोग करते थे और ये चित्रकूट होकर निकला। चित्रकूट जाने के लिए यहां से कोई सीधा साधन नहीं था, इसलिए जो है यहां पर लोग जो है सीधे यहां से दिल्ली, लखनऊ, आगरा व जो है चित्रकूट के लिए सीधा निकल सकते हैं। और जो व्यापारिक जो वाहन थे, जो ट्रक थे या जो थे घूम के आते, जिनका बहुत ज़्यादा जो है खर्चा आ जाता था, जिसके कारण लोग जो है इस तरफ नहीं निकलते थे, लेकिन अब जो है ये कल से चालू हो जाएगा आम जनता के लिए। और यहाँ पर बहुत ही लोगों को, औरैया जनपद वासियों को तथा आसपास के जो जनपद हैं उनको सफ़र के लिए बहुत ही आराम हो जाएगी। बहुत ही कम समय में चित्रकूट बांदा का सफ़र तय हो जाएगा और यहाँ से जो वाहन दिल्ली के लिए जाते थे वो यहाँ से होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए सीधे निकल जाएंगे। और ये नेशनल 2 से जो बहुत लंबा पड़ता था, काफ़ी खर्चा भी आता था। और औरैया से भारत समाचार के लिए राहुल तिवारी। हम खड़े हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। जो एक्सप्रेसवे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका शुभारंभ करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को सौगात देंगे। हम आपको बता दें, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर की दूरी का बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट,
28 महीने में बन करके तैयार हुआ है और ये प्रोजेक्ट लगभग 1500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन से जुड़ता हुआ इटावा और आगरा और दिल्ली तक ये चलेगा, जिसको देखते हुए लोगों को अब कम समय लगेगा और यात्री अपना सफ़र तय करेंगे। धर्म नगरी चित्रकूट से दिल्ली जाने वाले यात्री लगभग 7 से 8 घंटे की दूरी का सफ़र तय करेंगे। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के जालौन जिले से कल लोकार्पण करेंगे, जो बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं जो इसका लंबा रास्ता है 296 किलोमीटर, वो इटावा तक जाता है और इटावा से वहाँ जो आगरा एक्सप्रेस वे वाला लखनऊ को जोड़ करके दिल्ली की दूरी तय करेगा, जिसको महज 6 घंटों में लोग इसका सफ़र तय कर पाएंगे। पहले तो लोग 12 घंटे और 14 घंटे में जाते थे, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया है 28 माह में। उस बुंदेलखंड का जो जालौन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका लोकार्पण करेंगे और खासकर जो बुंदेलखंड के वासियों की बड़ी सौगात मिल रही है, इससे व्यापक हुआ, निर्माण हुआ, चिकित्सक जोड़ने वाला यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे काफ़ी मुफीद साबित होगा। चित्रकूट से विनोद कुमार, भारत समाचार। अब दिल्ली दूर नहीं। जी हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे से महोबा जिले की खरेला और खन्ना दो कस्बों को जोड़ा गया। फिलहाल बता दें कि पहले महोबा से दिल्ली जाने में 12 से 14 घंटे लगते थे और इस मार्ग के बनने के बाद अब 7 से 8 घंटों में हम दिल्ली पहुँचेंगे। 296 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया गया है। इस मार्ग के बनने के बाद कहीं ना कहीं महोबा को विकास के कड़ी से जोड़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि औद्योगीकरण और ट्रांसपोर्टेशन विकास का बहुत बड़ा जरिया होते हैं और निश्चित रूप से ये बुंदेलखंड और महोबा के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विष्णु गुप्ता, भारत समाचार, महोबा। के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड वासियों को एक सौगात के रूप में दिया जाएगा। जहाँ पर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर इटावा तक 296 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, जो कि जालौन में 78 किलोमीटर का निर्माण किया गया है, जहां पर बुंदेलखंड वासियों को एक नई सौगात मिलने के बाद रोजगार के नए आयाम मिलेंगे और जो लोगों को यहां से पलायन करना पड़ता था वो पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे लोगों को यहां पर एक रोजगार के भी काफ़ी अवसर प्रदान हो जाएंगे। जालौन से भारत समाचार से मनीष राज पांडे। जी हाँ, दिल्ली अब दूर नहीं, ऐसा ही कुछ कहेंगे कल से बुंदेलखंड वासी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। कल से आम हो या खास, सबके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। बुंदेलखंड के बांदा से दिल्ली की दूरी महज 5 से 6 घंटे की होगी। जहां बांदा से देश की राजधानी दिल्ली लोग 10 से 12 घंटे में पहुंचते थे, यही लोग अब मात्र 5 से 6 घंटे में इस दूरी को तय करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है और कल जालौन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुंदेलखंड को बुंदेलखंड वासियों को समर्पित कर देंगे। ये बुंदेलखंड चित्रकूट जनपद के भरतकूप से शुरू होकर इटावा जाएगा और इटावा से ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिलेगा और ये इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से बुंदेलखंड वासियों को दिल्ली पहुंचने में अब बहुत ही कम समय लगेगा और बुंदेलखंड वासियों के लिए ये वास्तव में बहुत बड़ी सौगात है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुंदेलखंड वासियों को समर्पित की जाएगी। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ बांदा से राजनारायण तिवारी।
तो एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। कल पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, तो 7 जिलों से होकर के गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे, और हमारे संवाददाताओं ने किस तरीके से वहां पर उस रूट पर गए और सब पूरा जायजा लिया, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कितने जिलों के लोगों को फिलहाल फायदा मिलेगा और अब दिल्ली दूर नहीं। तो कल पीएम मोदी करेंगे लाल लोकार्पण एक्सप्रेसवे का, और 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। और ये खास खास जो इसकी जो बड़ी बड़ी बातें, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार तरीके से बताई और ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे, 28 महीनों में बनकर ये तैयार हुआ एक्सप्रेसवे, इटावा चित्रकूट तक बना ये एक्सप्रेसवे। तो 28 महीनों का लगभग वक्त था, जो टारगेट दिया गया था फिलहाल लगभग उसी टारगेट में पूरा हुआ। और लगातार सरकार का ये कहना था कि जो समय सीमा दी गई है और उस समय सीमा में ये पूरा हुआ, और 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे। तो अभी फिलहाल ये आपको बता दें कि जो 4 लेन है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा, और विस्तारीकरण करने के साथ ही 6 लेन हो जाएगा। फिलहाल जो बड़ी बातें हैं, जो खास खास बातें हैं, वो यही कि अब लोगों को बस इंतजार है कि 16 जुलाई को, यानी कि बस अब काउंटडाउन कहें कि शुरू हो चुका है। 7 जिलों को छोड़ता है एक्सप्रेस वे, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये वो 7 जिले हैं। वहीं एक्सप्रेस वे में 13 इंटरचेंज पॉइंट भी बनाए गए हैं, तो ध्यान रहे कि 13 इंटरचेंज पॉइंट बनाए गए, 28 महीनों में बनकर ये तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। और इसी के साथ साथ 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, तो 4 लेन का बनाया गया, और आने वाले समय में इसका विस्तारीकरण करके फिलहाल इसको 6 लेन किया जाएगा जो प्लान है। और इस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दुबे इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपने जायजा लिया, प्रधानमंत्री अभी इसका लोकार्पण करेंगे, आप गए फिलहाल, मैं आपसे ही चाहूंगा कि वहां पर आपको ओवरऑल कैसा लगा? जी बता रहे, जिस तरीके से इन 15 से 16 दिनों में काफी यहाँ पे अधिकारी आए हैं, मुख्य सचिव आए हैं, अपर सचिव आए हैं यहाँ पे, और काफी निरीक्षण कर गए। ये भी नहीं कि दिन में कर गए, रात में यहाँ पे आए, रात में भी निरीक्षण कर गए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो 16 जुलाई को जो कल उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो प्रदेश के लेवल के अधिकारी हो या जिला लेवल के अधिकारी हो, सभी लोग मुस्तैद थे। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो 296 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेस बुंदेली एक्सप्रेस बना है, यहाँ से काफी सारे लोगों को जो है इसको सहूलियतें मिलेंगी। सहूलियतें मिलने के बाद यहाँ पे काफी लोगों को आराम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग झांसी बुंदेलखंड साइड में जाना चाहते थे, वो कई रास्तों से होके जाते थे, जिनके पास कोई भी अपना ज्यादा उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के बाद काफी उनको सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल विवेक, जाहिर सी बात है कि जब 7 जिलों से होकर के किस तरीके से गुजरेगा, तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, और उनका भी जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, उसको भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर विवेक बढ़ावा मिलेगा। जी जरूर, यहाँ पे जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही है, अरे जो बाहर वाहन चालकों के लिए, जिन लोगों को अपना जो जहाँ गंतव्य के लिए जाना है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। वहीं पर व्यापार की अगर बात कही जाए, तो व्यापार के लिए भी जो जिस तरीके से कच्चे माल है, उन लोगों के लिए भी जाने आने जाने के लिए काफी सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरीके से दिक्कतों का उन लोगों को सामना करना पड़ता था, बिल्कुल जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं दूर होंगी, दिक्कतें कम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। हमारे साथ लगातार हमारी टीम, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और एक्सप्रेस वे की जो बड़ी बड़ी बातें, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। 16 जुलाई का दिन बेहद अहम है, जब देश के प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन एक्सप्रेस वे का, वो एक्सप्रेस वे जो 7 जिलों को जोड़ता है। जी हाँ, 7 जिलों को जोड़ता है, ये जिले हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। इसी के साथ साथ 13 इंटरचेंज पॉइंट भी बनाए गए, तो ये सहूलियतें भी हैं जो दी गई हैं। वहीं 28 महीनों में जो बड़ा टारगेट था वो फिलहाल तैयार हो गया एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। और तभी कहा जा रहा है कि अब दिल्ली दूर नहीं, खास करके जो बुंदेलखंड वासी हैं, अब उनके लिए भी अब दिल्ली दूर नहीं, तो चित्रकूट से इटावा तक बना ये एक्सप्रेसवे। और इसकी खास खास बातें हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, चाहे वो लागत से हो, चाहे वो 14,850 करोड़ की लागत से, लागत देखिए
14,850 करोड़ की लागत से बना है और अभी 4 लेन है और आने वाले समय में लेकिन इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा। तो कल पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, उससे पहले भारत समाचार की टीम ने पूरी तरीके से सर्वे किया, लोगों से भी जाना और कैसा है इसका प्रारूप और किस तरीके से बनकर के कब तैयार हुआ, क्या इसकी गुणवत्ता है, तमाम सारी चीजों का फिलहाल जायजा लिया हमारे तमाम सारे सहयोगियों ने। तो एक्सप्रेसवे बनकर के अब तैयार है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जी हाँ, जिसको लोगों को इंतजार था। और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद अगर बात करें तो जो एक कॉरिडोर भी जो बनाया जा रहा था और खास करके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी सरकार जिस अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है, तो जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनके किनारे किनारे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, ये भी सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है। तो वहीं कल पीएम मोदी फिलहाल करेंगे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। तो 7 जिले बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, आपने तो पूरा जायजा लिया फिलहाल वहां पर और कल अब देश के प्रधानमंत्री जब लोकार्पण करेंगे बस अब लोगों को इंतजार है क्योंकि यूं कहें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असद जी, आलोक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आलोक। बिल्कुल, अपनी बात रखिए आप। जी आलोक, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का ये दूसरा एक्सप्रेसवे है जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 28 महीने में बनकर के तैयार हुआ है, जबकि 36 महीने में एक्सप्रेसवे को बनना था लेकिन ये 28 महीने में बना करके सरकार ने तैयार किया है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे आलोक। बिल्कुल, कल उद्घाटन करेंगे और बड़ी बात यह कि जो 7 जिलों से करके लोगों को जोड़ेगा तो इससे भी कहीं ना कहीं जो लोगों की जो दिक्कतें थी और लोगों को सहूलियत में बदल जाएंगी, वही दिक्कतें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं। असद देखिए आलोक, आपको बता दें कि धर्म नगरी चित्रकूट से और दिल्ली तक का सफर अब दूर नहीं रहा, जिसमें कि बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, हमीरपुर, इटावा, औरैया इतने जिले आएंगे, जिसमें लोग हमेशा परेशान हुआ करते थे, एनएच में चलते हुए थे, दुर्घटनाएं हुआ करती थी, अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए असद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर टांडा के तत्कालीन तहसीलदार के चलते नहीं मिला।